हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर टर्म वन क्लास टेंथ में स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर्स इज। ठीक है, तो देखिए लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, है ना। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, 4 और 2 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम वो बड़ा से छोटा से छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम होगा 4। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है, जो एचसीएफ होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे 4 और 2 को। तो 4 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब 4 और 2 का जो रेशियो है, 4:2, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या आ गया, 2:1। ये समझ में आ गया आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, मान इसमें ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इसको समझने में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।